अरे वाह, आज का दिन कितना सुहाना है। अरे यार, ये टट्टी की स्मेल कहाँ से आ रही है? ओह माय गॉड, ये तो मेरा पड़ोसी है। ये आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग तो यार एक मौसम की तरह, कभी भी गर्मी, कभी भी तूफान, कभी भी आंधी। आंधी तूफान तो सेम होता है, कभी भी बारिश। अगर सोशल मीडिया में कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ डाल देता है, लोग कमेंट्स में इतनी गालियां देते हैं, इतना नेगेटिव कमेंट देते हैं कि लोग उसको डिप्रेशन में डाल देते हैं। फिर जब वो इस डिप्रेशन में आके सुसाइड अटेम्प्ट करता है, आरआईपी, बहुत अच्छा एक्टर था, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, हमारे दिल में जीता। अरे डिप्रेशन में तुमने डाला, तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड किया। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को समझा नहीं सकते तो डिप्रेशन देने का भी हक नहीं है तुम लोग। अरे कबूतर लोग कितने हरामी हो गए, इनको इतना खाना दिया, पानी दिया, मेरी ही बालकनी में आके हग रहे हरामी साले। ये कबूतरों ने तो मेरे को कुछ कॉमेडियंस की याद दिलाया। कॉमेडियंस तो यार इतना ज्यादा खुल चुके कि क्या ही बोलना है इन लोग के बारे में। पहले ऐसा हो जाता है कि किसी के गले में रख के चाकू चला दो, अरे खून निकल गया, सॉरी 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 से वो खून वापस अंदर नहीं चला जाएगा, बंदा जिंदा नहीं रह जाएगा, बंदा मर चुका। उस हिसाब से कॉमेडियंस तो यार आजकल धर्म के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो बनाते ही जा रहे। पहले वीडियो बना देंगे, बाद में सॉरी मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, करने से पहले ना 10 बार सोचा करो। तुम लोग सब लोग बोलते हैं ना कि मेरे को लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, तो धर्म के ऊपर कभी डिबेट मत करो, उसकी शक्ल के ऊपर डिबेट करो कि टट्टी क्यों पैदा हुआ था तुम। ऊपर से आजकल स्कूल के बच्चों को क्या हो चुका है, कुछ बच्चों ने तो स्कूल की टीचर से शादी ही कर ली। एक बच्चे का बयान आया कि मेरे को घर में बुला के टीचर पढ़ाया करते थे, मेरे को दिल आया और हमने उनसे शादी कर ली। भाई क्या, मेरे को भी अपनी टीचर पे क्रश था, इंग्लिश वाली टीचर पे, पर मारती बहुत थी, पर टच तो क्या करती थी। लोगों को तो रंग बदलते तो पहले देखा ही था, पर आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी अपनी अपनी जगह बदल ली। फेसबुक पहले जो दूर दूर लोगों को एक दूसरे से मिलाया करता था, वो तो सॉफ्ट पोर्न की साइट ही बन चुकी, जहां तो सड़ेले प्रैंक्स की, बाबा जी पकड़े गए मेरी बीवी के साथ, मेरी नहीं जो वीडियो बनाता है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। जल्दी हो जाए तो अच्छा है। इंस्टाग्राम जहाँ पे लोग डाला करते थे कि ये जगह अच्छी देखने के लिए, वहाँ पे जाके आओ, अब वहाँ पे सिर्फ क्लीवेज बिक रहा है या सिर्फ गांड हिल रही है। ट्विटर पे जहाँ लोग हवा में बातें किया करते थे, वो इंस्टाग्राम बन चुका। कहीं पे आप घूम के आए हो जहाँ अच्छे वाले कपड़े पहने हैं तो ट्विटर पे पोस्ट कर दो। आधे से ज्यादा तो लड़कियों ने तो भाई नंगी वाली फोटो डाली हुई। इन सब प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के बचता है अपना यूट्यूब, उसको तो लोगों ने तो डस्टबिन नहीं समझा। कुछ भी वीडियो बना दो, कोई हग रहा है, मूत रहा है, अपलोड कर दो वीडियो। किसी की वीडियो को उठाओ, एक्सप्लेन कर, शॉर्ट में डाल दो। किसी का कंटेंट उठा के उसको एक्सप्लेन करके शॉर्ट में वीडियो डाल के तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं बन जाओगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरे को 2 यूट्यूबर तो बहुत गंदे लगते। पहले तो टेक्निकल वाले, इसलिए क्योंकि डब्बे के ऊपर सारा कुछ लिखा होता, पर नहीं, इनको वीडियो बना के डालना है। लोग अनपढ़ है, पढ़ेंगे थोड़ी ना वो। दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर, खुद तो जिंदगी तो जी ले, और दूसरे को एक्सपीरियंस लेने भी नहीं देना। लोगों को बोलेंगे मेरा स्पीच सुनो जिंदगी बदल जाएगी, कल का कच्चा बदले थे या वही स्टेज पे लगे हो लोगों के सामने हगना। लोग नहीं सुधरने वाले चाहे जो मर्जी हो। इसलिए तो मैंने बोला था लोग आजकल मौसम की तरह हो चुके हैं, कभी भी बदल जाते। वैसे मौसम तो नहीं बोलना चाहिए, मौसम अच्छा होता, टट्टी की तरह पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। आज पकौड़े खाए थे तो स्मेल कुछ और थी, कल पराठे खाए थे तो कल स्मेल कुछ और थी, बस अच्छी नहीं थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल केरनी को। बाय।